अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से मैं हूं गुशा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। सदर आरिफ अलवी की इमरान खान से चंद घंटों में दूसरी मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान का पंजाब और केपी के गवर्नर्स की तरफ से इलेक्शन की तारीख ना देने पर तशवीश का इजहार। इंडिया के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मंसूबा आश्कार। हिना रब्बानी खर कहती हैं, नहीं चाहते पाक भारत कशीदगी से दोनों जाने प्लाशे गिरे, हम खत्ते में अमन और इस्तेहकाम चाहते हैं। फवाद चौधरी साहब को मुंह पर कपड़ा डालने के अलावा कुछ नहीं किया। शहबाज गिल का कहना है, मुझे ऐसे मारा गया जैसे मैं दहशतगर्द हूँ, अगर मुझे भागना होता तो मैं अप्रैल में भाग जाता। डॉलर की कदर में यकदम बड़ा इजाफा हो गया। करेंसी की दोनों मार्केटों में अमरीकी करेंसी ने ऊंची उड़ान भर ली। चेयरमैन एफबीआर का कहना है कि डॉलर के उतार चढ़ाव में एक से ज्यादा अवामिल शामिल हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर आजम इमरान खान से चंद घंटों में दूसरी मुलाकात की। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर आजम इमरान खान से चंद घंटों में दूसरी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स की तरफ से इलेक्शन की तारीख ना देने पर तशवीश का इजहार किया। सदर आरिफ अलवी और इमरान खान के दरमियान होने वाली मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ सदर आरिफ अलवी लाहौर के दौरे पर पहुँचे थे, जहाँ उन्होंने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से जमान पार्क में उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात की। बाद अजां सदर आरिफ अलवी ने चंद घंटों बाद इमरान खान से उनकी रिहाइश गाह पर एक और मुलाकात की। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि मेरी आवाज़ क्यों बंद करने की कोशिश की जा रही है, मुझे कोई खौफ नहीं, अगर जेल में डालना है तो डाल दें। जंगी जुनून में मुब्तला इंडिया का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मंसूबा आश्कार हो गया। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों ने बरवक्त कार्रवाई करके भारत के घिनौने मंसूबे को नाकाम बना दिया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। जंगी जुनून में मुब्तला इंडिया का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मंसूबा आश्कार हो गया। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों ने बरवक्त कार्रवाई करके भारत के घिनौने मंसूबे को नाकाम बना दिया। वजीर मुमलिकत बराए खारजा हिना रब्बानी खर का कहना है कि हम सरहदों पर कशीदगी के हक में हरगिज़ नहीं और नहीं चाहते कि सरहदों पर कशीदगी से दोनों साइड पर लाशें गिरें। पाकिस्तान में अकलियतों को मुकम्मल मजहबी तहफ़ हासिल है, लेकिन भारत में अकलियतों के साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है। सैनेट इजलास में वक्फ़े सवालात के दौरान हिना रब्बानी खर ने कहा कि हम खत्ते में खून नहीं बहाना चाहते, क्योंकि हमारी पॉलिसी बहुत वाज़ह है कि हम खत्ते में अमन और इस्तेहकाम चाहते हैं, हमें सियासत के बजाय रियासती पॉलिसी को अपनाना होगा। हिना रब्बानी खर ने कहा कि भारत के मनफी रवैये के बावजूद पाकिस्तान अमन की राह पर चलता रहेगा। एलओसी पर पाकिस्तान भारत के माबैन कशीदगी में कमी आई है। वजीर मुमलिकत ने कहा कि मोदी से मुतालिक बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री सबूत है। दूसरी जाने मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि खुफिया एजेंसियों ने मोदी सरकार के नए ड्रामे का पूरा स्क्रिप्ट हासिल कर लिया। भारतीय यौम जमहूरिया पर मकबूजा कश्मीर में मुबैना दरअंदाजी का ड्रामा तैयार किया गया। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों ने भारतीय मंसूबे के तीन अहम किरदारों का भी पता चला लिया। इंडिया की 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड का एजेंट बशीर,
दो साथी आलम और असना मरकजी किरदार हैं। मंसूबे के तहत बशीर ने कुछ मुकामी अफराद को इस्तेमाल करना है। मकबूजा कश्मीर में फॉल्स फ्लैग कार्रवाई भारतीय फौज और पुलिस के जरिए करने की मंसूबाबंदी की गई थी। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन लाइन ऑफ कंट्रोल के पूंछ सेक्टर में प्लान किया गया। DSP प्रेशनास फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को सुपरवाइज कर रहा है। मंसूबे में 93 ब्रिगेड की डोगरा रेजिमेंट के दस्तों को घात लगाकर जाली रिकवरी दिखाना है। जशपाल आजाद कश्मीर साइड से बम नस्ब करके मकबूजा कश्मीर में दाखिले की कोशिश करनी थी। किसी मस्जिद के करीब इस कार्रवाई को नाकाम बनाना दिखाया जाएगा। मंसूबे के तहत भारतीय फौज और पुलिस जाली बरामदगी भी जाहिर करेगी। ऑपरेशन का मकसद मकबूजा कश्मीर में दरअंदाजी का इल्जाम लगाकर दुनिया में प्रोपेगेंडा करना है। तहम पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों ने मंसूबा पेश की बेनकाब करके भारत को बड़ी जिक पहुंचा दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल का कहना है कि फवाद चौधरी साहब को मुंह पर कपड़ा डालने के अलावा कुछ नहीं किया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल का कहना है कि फवाद चौधरी साहब को मुंह पर कपड़ा डालने के अलावा कुछ नहीं किया। शहबाज गिल का कहना है कि हर शहरी की तरह मेरा हक है कि अपने केसेस की तफसीलात का पता चले। अगर मुझे भागना होता तो मैं अप्रैल में भाग जाता। मुझ पर केसेस डाले गए, इसके बावजूद मुल्क और अदालतों में हूँ। लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज गिल ने कहा कि नई हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ, उनके आने के बाद नंगा करने का रिवाज कम हो गया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने यह भी कहा कि आज जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जिसमें वो धमकियां दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे मारा गया जैसे मैं दहशतगर्द हूँ। मैं क्या सौतेला बच्चा था? कोई वजह तो होगी जो मेरे साथ ऐसा किया, वो वजह मुझे भी बताई जाए। एक्सचेंज कंपनियों की जानिब से डॉलर को आज़ाद करके मार्केट फोर्सेस पर छोड़ने के फैसले से डॉलर की कदर में यकदम बड़ा इजाफा हो गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एक्सचेंज कंपनियों की जानिब से डॉलर को आज़ाद करके मार्केट फोर्सेस पर छोड़ने के फैसले से डॉलर की कदर में यकदम बड़ा इजाफा हो गया। करेंसी की दोनों मार्केटों में अमरीकी करेंसी ने ऊंची उड़ान भर ली। ओपन मार्केट में डॉलर ने लंबी छलांग लगाई और डॉलर की कदर 12 रुपए के इजाफे से 255 रुपए की सतह पर आ गई। चेयरमैन FBR आसिम अहमद का कहना है कि पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल इस वक्त बहुत नाजुक है। डॉलर के उतार चढ़ाव में एक से ज्यादा आवामिल शामिल है, जबकि दूसरी जानिब एक्सचेंज कंपनियों की जानिब से डॉलर को आज़ाद करके मार्केट फोर्सेस पर छोड़ने के फैसले से डॉलर की कदर में यकदम बड़ा इजाफा हो गया। पिशावर में तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन FBR आसिम अहमद ने कहा कि टैक्स गैप को कम अरसे में फिल करने की कोशिश करेंगे, टैक्स का हदफ हासिल करेंगे। मुल्क से बाहर डॉलर साथ ले जाने की हद भी 10,000 से कम करके $5,000 कर दी है। वजीर आजम हर हफ्ते डॉलर की स्मगलिंग के हवाले से ब्रीफिंग लेते हैं। उन्होंने कहा कि हमें आमदनी में शॉर्ट फॉल का सामना है। हम कोशिश कर रहे हैं कि सालाना हदफ को हासिल कर सकें। रवां साल 7.4 ट्रिलियन का हदफ मुकर्रर किया गया है। चेयरमैन FBR का कहना है कि FBR ने मईशत की बहाली के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए। FBR मौजूदा दौर के तकाजों से मुकम्मल तौर पर आगाह है। उनका यह भी कहना है कि पहला साल होगा जब इनडायरेक्ट टैक्स के मुकाबले में डायरेक्ट टैक्स ज्यादा इकट्ठा होगा। दूसरी जानिब इंटरबैंक में आज डॉलर की ऊंची उड़ान भरने के साथ ही मुख्तलिफ बैंक डॉलर का मुख्तलिफ रेट देने लगे। डॉलर के महंगा होने की वजह से माहिरीन मईशत ने पर्दा उठा दिया। माहिरीन के मुताबिक डॉलर का रेट मार्केट पर छोड़ दिया गया है, इसीलिए डॉलर एक दिन में इतना महंगा हुआ है। आज सुबह कारोबार के आगाज से ही अमरीकी डॉलर ने अचानक ऊंची उड़ान भरनी शुरू की जो अब तक रुकने का नाम नहीं ले रही। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 24.11 रुपए से बढ़कर 255 रुपए पर पहुंच गई। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगे इस ब्रेक के बाद।